चुड़ैल सास बहू की लड़ाई। आपने धरती की सास बहू की लड़ाई को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी चुड़ैल लोग की, चुड़ैल सास बहू की लड़ाई को कभी देखा या सुना है? नहीं ना? तो आइए हम चुड़ैल सास बब्बन और चुड़ैल मेनका बहू के पास चलते हैं। ये दोनों धरती से दूर बादलों के ऊपर चुड़ैल लोक में रहती है। ऐसे ही एक दिन मेनका अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी, तभी चुड़ैल बब्बन आकर कहती है, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ पर अपने नाखून सजा रही है चुड़ैल कहीं की। आपसे मतलब, आप अपनी लाली लिपस्टिक लगाकर चुड़ैल लोक में उड़ती हो, तब कुछ नहीं होता? आपकी शिकायत ना ससुर जी से करनी पड़ेगी। जा जा चुड़ैल बहू, जिसे कहना है कह दे, ना मैं तुझसे डरती हूँ ना तेरे ससुर जी से। मेरे एक बार करते वो बिच जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल सासू माँ, क्यों सुबह सुबह लड़कर मेरी दिमाग की हटा रही हो? बिना लड़े आपको चैन नहीं आता क्या? मुझे तुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे कर्म ही ऐसे हैं कि क्या बताऊं। और जल्दी से अब चाय दे दे, तुझसे बहस करके मेरा सिर और दर्द हो रहा है। मैं क्यों बनाऊं चाय? वैसे भी आप मुझ पर हुकुम चलाती थी और यहाँ भी, खुद बना लो अब आप, मैं कोई काम नहीं करूँगी। क्या बोली तू? तू मेरी बहू है, काम तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे तू कहीं भी हो। माँ जी बहुत हुआ आपका, मैं धरती पर आपका काम किया करती थी, अब यहाँ पर हुकुम मत चलाओ, चैन से यहाँ जीने दो। और अब तो आप भी चुड़ैल हो, जादू से चाय बनाओ, पर मुझे मत कहिए। तुझे तो मैं बताऊंगी बहू, मैं छोड़ूंगी नहीं। लड़ाई करते ही दोनों सास बहू अपने कामों में लग जाती हैं। वहीं दोनों हेडफोन से गाना सुनते हुए आ रही थी कि दोनों टक्कर खाकर गिर पड़ती है। तभी मेनका चुड़ैल कहती है, अरे माँ जी आपको चैन नहीं है क्या? अरे क्यों मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती आप? और ये क्या, मेरी नकल कर रही थी आप? मैं नहीं, तू मेरी नकल करके गाने सुन रही है। और तू अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता अपनी सास को, जानबूझकर धक्का मारी है, सब पता है मुझे। अरे जानबूझकर तो आपने धक्का दिया है ताकि आप मुझसे बदला ले सको, मैंने आपकी चाय नहीं बनाई ना। चुड़ैल मैं तेरी जितनी गिरी हुई नहीं हूँ। क्या बोला आपने मुझे, मैं गिरी हुई चुड़ैल हूँ? चुड़ैल तो आप भी है माँ जी, और मैं गिरी हुई नहीं हूँ, आपकी सोच ही गिरी हुई है। बहुत हुआ माँ जी, अब आप मेरे वार से नहीं बच सकती। ये कहते ही मेनका हवा में उड़कर उस पर अपनी शक्तियों का वार करती है। तभी बब्बन भी अपना वार करती है। दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं। तूने क्या सोचा, तेरी सास कमजोर है, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं, लड़ना है तो आज लड़, दो दो हाथ करते हैं। हारेंगी तो आप ही सासू माँ। दोनों लड़ने लगती हैं, कभी बहू सास को धक्का देती है तो कभी सास बहू को। दोनों चुड़ैल आपस में बाल भी खींचती हैं। तभी उन दोनों के पति आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मेनका तुम ये क्या कर रही हो, माँ के साथ क्यों लड़ाई कर रही हो? माँ जी ने मुझे ललकारा है, जवाब तो देना ही होगा ना सुमित। अरे बहू, तेरी सास की कमर टूट जाएगी, इतना मत लड़। क्या बोला आपने, मेरी कमर टूट जाएगी? कमर तो मैं आपकी तोड़ूंगी अगर बहू का साइड लिया तो। दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। तभी दोनों के पति उन्हें पीछे की ओर खींचकर अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। अरे बब्बन तुम पागल हो गई हो, बहू से ऐसे कोई लड़ता है क्या? तुमने फिर से बहू की साइड ली, अब तुम देखो। ये कहते ही चुड़ैल बब्बन जादू से हाथ में बेनर लाकर अपने पति की बहुत पिटाई करती है। तभी वीरेंद्र के सिर पर चिड़िया घूम रही होती है। अब की बार मुझसे पंगा मत लेना, तुम जानते हो ना कि मैं चुड़ैल बब्बन हूँ, तुम भूत बनकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं दूसरी ओर सुमित मेनका को कहता है, मेनका तुम सास बहू धरती पर लड़ती थी समझ आता है, पर यहाँ चुड़ैल बनकर तो अच्छे से जी लो, यहाँ भी लड़ी भिड़ती रहती हो। तुम अपनी माँ के सहित मेरे सामने लिया ही मत करो, चुड़ैल मेनका हूँ, भारी पड़ जाऊंगी तुम पर, ये मुझे पति परमेश्वर की कोई ज्ञान नहीं है। अरे तुम समझौता कर लो वासे। दोबारा ऐसा बोला तो फिर से हवा में लटका दूंगी। दोनों चुड़ैलों ने अपने अपने पतियों को भी धमका दिया था, बेचारे भूत सहम गए थे। वहीं दोनों सुबह सुबह नई लाल रंग की चमकती हुई साड़ी पहनकर आती हैं। तभी दोनों एक दूसरे को एक जैसी साड़ी में देखकर हैरानी से कहती हैं, अरे आपने फिर मेरी नकल करी, अरे चाहती क्या है आप? मेरे जैसी साड़ी पहनने से बुढ़ापे में आपको कोई एंजेलिना जोली नहीं कह देगा। बहुत बात पार कर रही है, मैं तेरी नकल नहीं कर रही, तू मेरी नकल कर रही है, मैं तेरी तरफ झांकी भी नहीं हूँ, मेरी फेवरेट साड़ी है ये। ओह अब समझी मैं, तुझसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ ना, इसलिए तू सेम साड़ी पहन कर आ गई और मुझे ये सब बोल रही है। मुझे आपकी तरह चाल पार्टियां करना और नजर रखना नहीं आता। क्या घोड़ी की तरह की कर रही है, बस कर
आसपास की चुड़ैल तेरी हंसी सुनकर रो पड़ेंगी। माँ जी, मेरी हंसी तो एक बार को टेक भी है, पर आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई कदा नेचू नेचू कर रहा है। चुप हो जा चुड़ैल बहू, कहीं तू ऐसे हंस हंस कर पागल हो गई तो चुड़ैल के पागल खाने में तुझे भर्ती करवाना पड़ेगा आज ही। माँ जी आपको तो। मेनका घूरते हुए पैर पटक कर चली जाती है। तभी दोनों गुस्से से बादल पर बैठकर आए हुए थे। मेनका बादल को हटाकर धरती पर देख रही थी। बब्बन आकर कहती है, क्या जाग रही है बहू तू? माँ जी वो देखना, सास बहू कितने प्यार से रह रही है और हम कितना लड़ते हैं। अच्छा मुझे भी दिखा जरा। तभी दोनों नीचे देखती हैं, जहाँ एक सास अपनी बहू के साथ शांति से हंसते हुए खाना खा रही थी। माँ जी और खाना दूँ आपको? हाँ बहू देने, तूने वाकई में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये ले मेरी तरफ से ये शगुन के कंगन तेरे लिए। शुक्रिया माँ जी, ये कंगन तो आप ही की तरह बहुत प्यारा है। तभी सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती है, जिसे देख बब्बन चुड़ैल कहती है, अरे हाँ बहू तूने बिल्कुल ठीक कहा, हमें भी ऐसे प्यार से रहना चाहिए, एक कोशिश तो जरूरी है ना। हाँ माँ जी, तो अब हम प्यार से रहेंगे, तो बताइए आपके लिए चाय बना कर लाऊं? हाँ बहू। बब्बन अपने कमरे में बैठी थी और मेनका चुड़ैल चाय लेकर आती है। तभी उसे इतनी जोर की छींक आती है कि सारी चाय अपनी सास पर उड़ेल देती है और बब्बन कहती है, हे भगवान चुड़ैल कहीं की सत्यानाश हो तेरा, एक प्यार से काम करने को बोला वो चाय भी तूने मेरे ऊपर डाल दी। ओह माँ जी सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया, मुझे छींक आ गई, एक मौका और दीजिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है एक मौका और देती हूँ। मैं आपके पैर दबा देती हूँ, उससे पहले आपको साफ कर देती हूँ। मेनका अपने जादू से अपनी सास के कपड़े बदल देती है और उसके पांव दबाने लगती है। तभी बब्बन के गुदगुदी होने से वो बहुत हिलती है। अरे अरे बहू तू ये क्या करी, अरे राम राम राम, अरे बहू बस कर, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही तेरे पांव दबाने से। अच्छा माँ जी अब तो मैं आपके और पैर दबाऊंगी। अरे बहू नहीं नहीं बहू बस। तभी दोनों हंसते हंसते बेड से गिर जाती हैं और कहती हैं, आ लग गई। अरे उठा बहू मुझे मेरी कमर गई। हाँ माँ जी, अरे माँ जी हमारा ये प्लान भी फेल हो गया, हम आदर्श सास बहू नहीं बन पाए। मुझे मत गिन, तू ही ठीक से काम नहीं करती है, पहले भी और अब भी तू ही आदर्श नहीं है। माँ जी कमी तो आप में भी है, आपने कब मुझे पुचकारा, बोला है कभी मुझे प्यारी बहू। ठीक है अब बोलती हूँ, आजा मेरी प्यारी चुड़ैल बहू, कितनी गुनी है, बिल्कुल नहीं झगड़ी अपनी सास से। ये कहते ही बब्बन अपनी बहू के गाल पकड़कर खींचती है। तभी चिढ़ते हुए मेनका कहती है, जी 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 माँ जी ये आप क्या कर रही हैं, हटिए गंदा लग रहा है। देख लिए तूने, तुझे भी मेरा प्यार करना रास नहीं आया, सच बात तो ये है कि हम बिना लड़े रह ही नहीं सकते, हम प्यार भी करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना तो शांति मिलती है। हाँ माँ जी ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक एक दूसरे को मिर्च मसाले की तरह सुना ना देना तो दोनों को ही चैन नहीं आता। हाँ बहू तू सही बोली। ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये चुड़ैल और सास बहू लड़ने के लिए ही बनी, एक दूसरे से जब तक लड़ना लें एक दूसरे को चैन नहीं आता। इस तरह दोनों चुड़ैल सास बहू बिल्ली की तरह लड़ती ही रहती हैं। गरीब और अमीर चुड़ैल की नवरात्रि। रामगढ़ के छोटे से गांव में एक ललिता नाम की औरत रहती थी। ललिता बहुत गरीब थी, उसके दो बच्चे थे, एक राधा और एक राजू। उसका पति हमेशा शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। ललिता निरंजना नाम की एक औरत के घर पर काम करके अपना घर चलाया करती थी। एक दिन ललिता अपनी मालकिन निरंजना से कहती है, मालकिन कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, मुझे माँ दुर्गा की नवरात्रि और उनकी पूजा का सामान लेकर आना है, मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े पैसे एडवांस में दे दीजिए। तुम गरीब लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, दुर्गा माँ तुम्हारे ऊपर कभी मेहरबान नहीं होंगी, तुम हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे, तो फिर क्या फायदा इस तरह ढोंग करके। मालकिन मैं ढोंग नहीं करती हूँ, मैं दुर्गा माँ को अपने मन धन से मानती हूँ और हर साल उनकी पूजा करती हूँ, उन्होंने मुझे अभी तक जो कुछ भी दिया है मुझे उतने में खुशी है। अरे हाँ हाँ तुम्हारी खुशी तुम्हारी गरीबी में दिखती है, तभी तो तुम मेरे घर में आकर झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई करती हो। खैर अब क्या ही बोलूं, एक काम करना शाम को जाते वक्त पैसे ले जाना। इतना कहकर निरंजना घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर चली जाती है।
बेचारी ललिता सुबह से शाम तक घर का काम करके अपनी मालकिन निरंजना का इंतजार करने लगती है। हे भगवान, रात के 10 बज गए हैं लेकिन निरंजना मैडम अभी तक नहीं आई हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करती हूँ, घर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर ललिता रसोई से बचा हुआ खाना पैक करके उसे घर ले जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, उसके बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ माँ, आज इतनी देरी क्यों कर दिया आने में? हम दोनों आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। माँ, पिताजी आए थे और उन्होंने आपके बचे हुए पैसे निकाल लिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो मालकिन ने भी मुझे पैसे नहीं दिए, ऊपर से तुम्हारे पिता मेरे बचे हुए पैसे भी लेकर गए हैं। कल मेरी माँ दुर्गा का पहला नवरात्रा है और मैं उनकी पूजा कैसे करूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ललिता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति माँ दुर्गा की लाकर पूजा कर लेती है। हे माँ दुर्गा, आज आपका पहला नवरात्रा है लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने ये अपने हाथों से प्रसाद बनाया है, आप इसे ग्रहण करिए। ललिता दुर्गा माँ का प्रसाद चढ़ाकर काम करने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो अपनी मालकिन के घर पहुँचती है, उसके मालकिन के घर की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती है। कुछ गमले तो नीचे गिरकर टूट चुके होते हैं। ये सब देखकर ललिता हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? आखिर ये सब किसने किया होगा? और मालकिन कहाँ गई? ललिता देखते ही देखते अपनी मालकिन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसकी मालकिन बेहोश जमीन पर पड़ी होती है। अरे मालकिन, मालकिन, ये आपको क्या हो गया? उठिए ना मालकिन, ये सब किसने किया है मालकिन? निरंजना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और ललिता से कहती है, अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रात को ज्यादा शराब पीने की वजह से शायद चक्कर खाकर गिर गई होंगी। जाओ तुम घर की साफ सफाई करो, आज दुर्गा माँ का पहला नवरात्र है, मुझे पूजा करनी है, अभी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। निरंजना फ्रेश होने चली जाती है, जिसके बाद ललिता घर के काम करने लग जाती है। जैसे ही निरंजना फ्रेश होकर आती है, वो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा करती है, जिसके बाद वो ललिता को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, मुझे दुर्गा माँ के नवरात्रों के लिए कुछ सामान लेकर आना है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। निरंजन अपनी कार निकालती है और अपनी उसमें नौकरानी ललिता को बिठा लेती है, जिसके बाद वो दोनों सामान खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद अचानक से एक बहुत बड़े ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों एक्सीडेंट के दौरान मर जाती हैं। लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। अरे अरे, ये क्या, हमारा तो एक्सीडेंट हो गया है, इसका मतलब हम लोग मर गए हैं। अब हम माँ दुर्गा की पूजा कैसे करेंगे? हे माँ दुर्गा, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखूंगी? मेरे बिना तो मेरे बच्चे अधूरे हैं, ऊपर से उनका पिता शराब के नशे में यहाँ से वहाँ गिरता पड़ता रहता है, उससे तो अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं की जाएगी। एक तरफ ललिता चुड़ैल बनने के बाद भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, तो दूसरी तरफ उसकी मालकिन निरंजना दुर्गा माँ के मंदिर के लिए निकल जाती है। एक तरफ निरंजना चुड़ैल बनने के बाद भी दुर्गा माँ की पूजा करती है, तो दूसरी तरफ ललिता चुड़ैल बनने के बाद भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है और दुर्गा माँ की पूजा भी करती है। माँ माँ, आपको ये क्या हो गया है? आपका शरीर हरा क्यों पड़ गया है? माँ माँ, आपको कुछ हुआ है? आप हमें बता नहीं रही हो, बताओ ना माँ, क्या हुआ है? ललिता अपने दोनों बच्चों को अपनी मौत की दुर्घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं। तभी ललिता कहती है, चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, मेरे साथ साथ दुर्गा माँ भी तुम्हारे साथ रहेंगे, वो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर ललिता अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी घर में ललिता का पति प्रमोद आ जाता है। प्रमोद नशे की हालत में धुत होता है। ललिता मरने के बाद प्रमोद को दिखाई नहीं देती। वो अपने बच्चों से कहता है, अरे तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई? हाँ, अरे कब से उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ, मेरी शराब की बाटली भी खत्म हो गई। सुन राधा, तेरे पास कुछ पैसे हैं? हाँ, तो मुझे दे दे। पिताजी, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और आप शराब मांग रही हो। क्या कहा,
तुम्हारी माँ मर गई? चलो अच्छी बात है, साली मेरे किसी काम नहीं आई। ऐसा कहकर प्रमोद वहां से चला जाता है और बेचारी ललिता रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निरंजना अपनी मौत का बदला लेने के लिए उस ट्रक वाले के घर तक पहुंच जाती है। यही है वह जिसकी वजह से मेरी आज मौत हुई है। आज इसी के कारण मैं अपनी दुर्गा माँ की पूजा भी ठीक से नहीं कर पाई और न उनके लिए सामान ले पाई। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। निरंजना ट्रक वाले को मार देती है जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ललिता और निरंजना दोनों दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए मंदिर के बाहर पहुँच जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुर्गा माँ तुम जैसे कबाड़ियों की नहीं सुनती। सुनेंगी, दुर्गा माँ मेरी भी सुनेंगी। अब हम सभी उनके लिए एक समान हैं। अच्छा तो ये बात है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करूंगी। देखते हैं दुर्गा माँ किसकी सुनती है। मैं और तुम हम दोनों दुर्गा माँ की पूजा करेंगे और बदले में उनसे अपनी जान वापस मांगेंगे। तो बताओ तुम्हें मंजूर है? अगर दुर्गा माँ ने मेरी सुनी तो मैं अपनी जान के बदले अपने बच्चों के लिए खुशी मांगूंगी। उस दिन के बाद से ललिता और निरंजना दोनों दुर्गा माँ के नवरात्रों में उनकी खूब सेवा पानी करती हैं और उनकी अच्छे से पूजा भी करती हैं। आखिरी में जब नवमी का दिन आता है तो दोनों चुड़ैलें दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर उनकी पूजा करने लगती हैं। ललिता अपने दोनों हाथों पर जलते हुए कपूर जलाकर उनकी पूजा करती हैं, तो वहीं निरंजना सोने चांदी के बर्तनों में दुर्गा माँ को भोग लगाती हैं। तभी उनके सामने दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। देखा, मैंने कहा था ना, दुर्गा माँ सिर्फ मेरी ही सुनती हैं। अरे तुम जैसे गरीब की कौन सुनेगा? जैसे ही मैंने सोने के बर्तन में दुर्गा माँ को भोग लगाया तो दुर्गा माँ स्वयं यहाँ प्रकट हो गई। इसे कहते हैं असली भक्ति। नहीं निरंजना, तुम गलत हो। भक्ति दिल से की जाती है, ना कि दिखावे से। तुम दिखावे से मेरी पूजा कर रही हो, लेकिन ललिता ने दिल से मेरी पूजा की है। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। और तो और, उसने अपने हाथों की चिंता के बिना ही मेरी आरती उतारी। उसके मन में सच्ची श्रद्धा है। ये सुनकर निरंजना को अपने किए पर अफसोस होता है। सही कहा दुर्गा माँ आपने, बचपन से हमें पैसा और दौलत का दिखावा करना ही सिखाया था, जिसकी वजह से मैं ऐसी हो गई। लेकिन मेरे अंदर आपके लिए बहुत श्रद्धा है। ललिता, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दुर्गा माँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए खुशियाँ चाहिए। दुर्गा माँ के हाथ से एक रोशनी निकलती है जो सीधा ललिता के ऊपर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह जिंदा हो जाती है। तुम्हारे बच्चों की खुशी तुम्हारे जीवित रहने में है। अब तुम अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। तभी देवी माँ अपने हाथ की रोशनी से निरंजना को भी जीवित कर देती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें जीवित इसलिए किया ताकि तुमने जो श्रद्धा दिखावे से की है उसे तुम दिल से कर सको। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से ओझल हो जाती हैं, जिसके बाद निरंजना गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू करती है और दुर्गा माँ को दिल से मानती है। उनकी पूजा करने में वो कभी भी दिखावा नहीं करती, जिसकी वजह से निरंजना और ललिता दोनों अपनी जिंदगी में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। शराबी पति और चुड़ैल पत्नी। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी इतनी रात के सन्नाटे में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती आ रही थी। कहाँ गए गांव के सभी लोग? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहाँ मर गए? कहीं भी चले जाओ, मैं अपने शिकार को ढूंढ लूंगी, कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाएगा। तभी चुड़ैल ऐसा कहते हुए एक शराब के ठेके पर पहुंच जाती है, जहां पर कई सारे शराबी नशे की हालत में धुत वहां से यहां घूम रहे होते हैं। आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। यही वो लोग हैं जो 25 का संतरा पीकर 100 का ड्रामा करते हैं। आज मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल उन सभी लोगों के पास पहुँचती है और उन्हें एक एक करके मारने लगती है। नहीं छोड़ूंगी, अरे किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सब ने हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। तभी एक शराबी नशे की हालत में कहता है, अरे चुड़ैल तू यहाँ कहाँ से आ गई? अरे यहाँ क्या तू 25 का पौवा पीने आई है? अरे आजा चुड़ैल, तुझे हमारी महफिल में नचनिया बनाऊंगा। तू मुझे नचनिया बनाएगा? अब देख मैं तेरा कैसे 25 का संतरा बाहर निकालती हूँ।
ये कहकर चुड़ैल उस शराबी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाती है। गांव के अंदर शराबियों की लाशें देखकर गांव के लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे गांव वालों देखो, वो किसी को भी नहीं छोड़ रही है, वो हमें ऐसे करके मार देगी। अगर तुम लोगों को अपनी जान की सलामती चाहिए तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते बनो, और नहीं तो शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दो। अरे भाई, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे। अरे तू तो जानता ही है, हमारा पूरा गांव शराबियों से ही भरा हुआ है, 25 का संतरा तो भाई कोई नहीं छोड़ेगा। अरे सही कहा तुम लोगों ने, अगर शराब छोड़ दो तो वो चुड़ैल इस गांव में कभी नहीं आएगी। अरे तुम लोग मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो, लगता है तुम सबका 25 का पौआ पीकर दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम लोगों को अपने परिवार की जरा भी फिक्र नहीं है तो इस गांव में अपनी मौत का इंतजार करो, मैं तो अपने परिवार को लेकर यहां से शहर जा रहा हूं। ऐसा कहकर गोवर्धन वहां से चला जाता है। गांव वाले बहुत ही ज्यादा ढीठ होते हैं, इसलिए वो अपना गांव को छोड़कर और शराब को छोड़कर कहीं नहीं जाते। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है, जिसके बाद रात को एक घर में प्रवीण नाम का आदमी अपनी पत्नी करीना को शराब के नशे में मार रहा होता है। अरे कल मुही करम चली नाश पीटी कहीं की, अब तुझसे बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे दे दे, तो तुझे मेरी बात समझ नहीं आती, जल्दी से मुझे पैसे निकाल कर दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा मत करो, मुझ पर थोड़ा सा रहम करो, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। कोई पति अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारता है क्या? जरा अपने बच्चों के बारे में तो सोचो, जो पैसे मेरे पास है मैं उनसे उनके लिए खाना लेकर आऊंगी। अबे खाना गया भाड़ में, तू मुझे पैसे दे, मैं 25 वाला पौआ पीऊंगा। मेरे शरीर में करंट दौड़ रहा है, जब तक अंदर जाएगी नहीं तब तक करंट बंद नहीं होगा, मुझे पता है तू ऐसे नहीं मानेंगे, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर प्रवीण अपने पास रखी छड़ी को उठाता है और करीना को मारने लगता है। करीना दर्द से बहुत बुरी तरह तड़पने लगती है कि तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट होती है। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? तुम शराबी शराब पीकर औरतों के ऊपर हाथ उठाते हो, क्या तुम्हारी आँखों के अंदर सुअर का बाल है? चुड़ैल को देखकर प्रवीण डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आई? अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी, चली जा चुड़ैल मेरे पास मत आइयो, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। शराबी नशे के कीड़े, तू मुझे धमकी दे रहा है, तेरी औकात नहीं कि तू मेरा कुछ बिगाड़ पाए, अब देखना तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल प्रवीण को मार कर उसके हाथ पैर खा जाती है, जिसके बाद तभी अचानक से करीना हिम्मत करके चुड़ैल से पूछती है। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आखिर तुम इस गांव के शराबी लोगों को ही क्यों मारती हो? तुम्हारी इन शराबी लोगों से क्या दुश्मनी है? करीना के इतना पूछते ही चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल करीना को बताती है। मैंने आज तक कई औरतों की मदद की, लेकिन किसी ने कभी मुझसे मेरी कहानी नहीं पूछी, लेकिन आज अगर तुम मेरी कहानी मुझसे पूछ रही हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मैं एक गरीब परिवार से थी, मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, उनके पास मेरी शादी करने के लिए पैसा भी नहीं था। एक दिन मैंने पिताजी और अपनी माँ को बात करते हुए सुना। शकुंतला, अब कैसे होगी हमारी बिटिया की शादी? हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि हम उसकी शादी कर सकें, ऊपर से आजकल के लड़के वालों की मांग भी बहुत ज्यादा होने लगी है, ऐसी भरी महंगाई में बिटिया के हाथ पीले करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अजी आप चिंता क्यों करते हो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा ही। उसी समय हमारे घर एक पंडित जी मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। अरे हरिया, एक नंबर का रिश्ता लेकर आया हूँ, और उन्हें ना तो दान दहेज चाहिए और ना ही रुपया, बस उन्हें एक जोड़े में तेरी बेटी चाहिए, अगर तुम्हारी हाँ हो तो रिश्ता पक्का कर दूँ। ऐसा रिश्ता देखकर पिताजी ने बिना सोचे समझे मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मेरा होने वाला पति शराब का ठेका चलाया करता था, लेकिन शादी होते ही उसे एक बहुत ही बड़ा लॉस हो गया, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा गरीब हो गए और मुझे लोगों के घर में काम करके पैसे कमाने पड़े। वहीं दूसरी तरफ मेरा पति शराब बेच बेच एक बहुत बड़ा नशेड़ी बन गया, जो भी मैं कमाती थी वो मुझसे छीन लिया करता था। एक रात वह नशे की हालत में आया। अरे ओ निर्मला, कहाँ मर गई? अरे जिंदा भी आया, मर गई? अरे जरा आज की कमाई तो बता कितनी हुई, जरा मुझे मेरी बाटली के पैसे तो दे। रोज रोज दारू पीकर घर में आ जाते हो, क्या थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे कम से कम अपने बच्चों का ख्याल तो रखो,
घर में एक दाना तक नहीं है और तुम्हें अपनी बाटली की पड़ी है। अरे जब बाप का कोई फर्ज अदा नहीं कर सकते तो क्यों ये बच्चे पैदा किए थे तुमने? अब मनुष्य कहीं की साली मुझसे जुबान चलाएगी? अरे रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। मेरा मुंह कुछ ज्यादा ही खुल गया है, आज मैं तेरी बोलती हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पति ने मुझे मारना शुरू कर दिया और जब तक मारते मारते उसने मेरी जान नहीं ले ली तब तक उसने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे मारकर मेरे पति ने मुझे जंगल में दफना दिया, जिसके बाद मैं एक भयानक चुड़ैल बन गई और इस गांव के हर एक शराबी से अपनी जान का बदला लेने लगी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन लोगों को मारने से कुछ नहीं होगा। अगर हम इस गांव के नशेड़ियों को पुलिस के हवाले करवाएं तो वो उन्हें नशा मुक्ति में डाल के उनकी शराब छुड़वा देंगे, इससे किसी भी औरत का घर खराब नहीं होगा। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया, लेकिन मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। मेरी जगह अब तुम ये काम करोगी और तुम्हें मैं सपोर्ट करूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर करीना अगले ही दिन जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा देती है और गांव के हर एक शराबी को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा देती है, जिसके बाद गांव के सभी शराबी नॉर्मल हो जाते हैं और अपने परिवार को अच्छे से चलाने लगते हैं। चांद पर सास बहू की नवरात्रि। मनसा गांव में सुधा और अंबिका नामक एक बड़ी ही गरीब सास बहू रहती थी। कुछ समय पहले उन दोनों के पति देर रात घर लौटते हुए दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके बाद सास बहू दोनों बेवा हो गईं। क्या बात है सासू माँ, आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। बिरजू और उसके बाबूजी के जाने के बाद जीवन गरीबी में गुजर रहा है, जाने माँ दुर्गा और कितने दुख देंगी। धीरज रखिए माँ जी, दुर्गा माँ बेहद दयालु है। मुझे विश्वास है कि माँ दुर्गा हम सास बहू को बहुत जल्दी इन दुखों से उभार लेंगी। कल से नवरात्रि शुरू होने को है, मगर इस घड़ी हम सास बहू घनघोर गरीबी से जूझ रही है। ऐसे में हम नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के चढ़ावे के लिए फल फूल का प्रबंध कैसे करेंगे? हमारे पास पेट भरने तक के पैसे नहीं बचे। दोनों सास बहू नवरात्रि की चर्चा ही कर रही थीं कि घर का मालिक लाखन ताबड़तोड़ दरवाजा पीट कर उन्हें पुकारता है। अरे दोनों सास बहू बहरी हो गई हो क्या, बाहर निकल कर आती क्यों नहीं? अरे लाखन क्या बात है? देखो सुधा मौसी, अब तुम सास बहू की शान पट्टी नहीं चलेगी। पिछले 5 महीनों से घर का किराया बचाए जा रही हो, आज पैसे दो या रफा दफा हो। लाखन अभी हमारे पास तुम्हें देने को फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे मौसी, मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे पास तो लाखों का धन है। अपनी बेवा बहुरिया से मेरा ब्याह कर दो और रहो सारी जिंदगी इस घर में। लाखन के मुंह से ऐसा सुनकर अंबिका उसे जोरदार तमाचा जड़ती है। खबरदार, जो आज के बाद फिर कभी अपने मुंह से इन मंसूबों को निकाला तो। अपनी ये नाजुक कलाई संभाल कर रख अंबिका, वरना इन्हें गाजर ककड़ी की तरह काट कर रख दूंगा। अरे तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरे सिवा 4 बच्चे की माँ से कौन ब्याह करना चाहेगा? अब मैं तुम दोनों बैरन सास बहू को इस घर में और बर्दाश्त नहीं करने वाला। उठा अपने इस यतीम बाल बच्चों को और निकल जा यहाँ से। लाखन ना सिर्फ सास बहू बल्कि अंबिका की बेटी दिव्यांशी, देविका और वैष्णवी और उसके दुदमुहे बच्चे को बेघर कर देता है। दीदी माँ और दादी माँ, हमें इतनी देर रात लेकर कहाँ जा रही है? क्या हम सभी सैर पर जा रहे हैं? हम सभी बेघर हो गए हैं, अब ये सड़क ही हमारा घर है। तीनों बच्चियों की सयानों सी बोली सास बहू को झकझोर कर रख देती है। तभी अचानक मौसम का रुख एकदम से बरसने वाले बादलों से उमड़ने घुमड़ने लगता है। सासू माँ, शायद बहुत जोरों से बरसात होने वाली है। बहू, मेह बरसा कर माँ दुर्गे अपने आने का संदेश सुना रही है, कल नवरात्रि का आगमन होने जो जा रहा है। माँ जी, यहाँ कुछ देर पहले हम सास बहू नवरात्रि में माँ दुर्गे की मूर्ति को घर में स्थापित करने की बात कर रही थी, मगर अब हम ही बेघर हो गए हैं। बहू, माँ दुर्गा हम सास बहू की परीक्षा ले रही है। अचानक से बेतहाशा बारिश की बदरी बरसने लगती है। बहू, मुन्ना को ढाप, वरना इस बारिश से वो बेचारा बीमार हो जाएगा। बारिश की ठंडी बूंद से सराबोर उस बेबस बहू की 3 बेटियां टिठुरने लगी थी। वह अपने आंचल से कभी अपने दुदमुहे बच्चे को ढापती तो कभी अपनी बेटियों को बचाती। बूढ़ी सास सुधा मदद की मनसा से लोगों का दरवाजा खटखटाती है। मदद करो, मेरी बहू बच्चे बारिश में सराबोर हो रहे हैं। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। सुधा के चीखने चिल्लाने पर एक घर का दरवाजा खुलता है। कमला मेरी मदद कर,
मेरी बहू और बच्चे भीग रहे हैं। आज की रात के लिए हमें अपने घर में पनाह दे दे। अरे बौर आ गई है, एक जना होता तो सोचती विचारती, अब तू तेरी बहू और इसकी बेटियों की मंडली। ना बाबा ना, मेरा मरद मुझे ही बेघर कर देगा। कमला इतनी पत्थर दिल ना बन, थोड़ा तो सोच। अरे अपना ये ताना बाना लेकर चलती बन। कमला सुधा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। क्या हुआ माँ जी, क्या कहा कमला काकी ने? बहू उस क्रूर कमला ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। दोनों सास बहू बच्चों के साथ आगे की ओर अग्रसर होने लगती हैं। तभी तूफानी हवा से शोर करती मंदिर की घंटी दोनों के कानों में गूंजती है। वो देखिए माँ जी, माँ दुर्गा का मंदिर। बिना वक्त गवाए वहाँ चलते हैं। जैसे ही सास बहू बच्चों के साथ वहाँ पहुँचती हैं, मंदिर का पुजारी उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे कहाँ बड़ी चली जा रही हो? पुजारी जी, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं, माँ के मंदिर में ठहरने की मनसा से यहाँ आए हैं। अरे बिल्कुल नहीं, एक सांझ से सारा मंदिर साफ सुथरा करके अभी फुर्सत पाई है। तुम सभी के गंदे गलीच मिट्टी से सने पाओ मंदिर को अशुद्ध कर देंगे, कोई और ठिकाना खोजो। ये कहकर पुजारी मंदिर का द्वार बंद करके चला जाता है। सास बहू बच्चे सभी सीढ़ियों पर बैठे सारी रात बरसात में भीगते हैं। हमारे पतियों ने सारा जीवन इस गाँव को गर्द कर परिवार समझा, उसका ये सभी ऐसा सिला दे रहे हैं। क्यों जगत जननी, आखिर कब तक पत्थर की मूरत बनी रहोगी? एकाएक बरसात थम जाती है और सभी की आंखें नींद से उघने लगती हैं। तभी माँ दुर्गा उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें अपने शेर रूपी रथ में सवार करके चांद पर लाती हैं और अपने अपार शक्ति से उनके लिए सुनहरा सितारों का घर बनाती हैं। जब सवेरे उनकी आंख खुलती है तो वह खुद को चांद पर बने एक सुनहरे सितारों के घर में पाते हैं, जहां माँ दुर्गा का भव्य मंदिर बना होता है। ये देखकर दोनों सास बहू स्तब्ध हो जाती हैं। बहू ये क्या बला है, क्या सचमुच हमारे बसेरा चांद पर हुआ है? माँ जी मुझे ये सब माया जाल लगता है, ये सत्य कैसे हो सकता है? भला हम तुच्छ इंसान धरती से अंबर पर कैसे? अचानक माँ दुर्गा सास बहू के समक्ष प्रकट होती हैं। सुधा अंबिका, ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सत्य है। मैंने उस गांव गढ़ से तुम सास बहू की सदा के लिए तुम्हें उबार कर इस चांद पर तुम्हारा बसेरा बनाया है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? ये कहकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती हैं। देखिए सासू माँ, संसार से परी माँ दुर्गा ने हम सास बहू का बसेरा चांद पर बनाया है। बहू अब हम सास बहू संपूर्ण निष्ठा से माँ दुर्गा के 9 दिन की नवरात्रि करेंगे। हम तीनों बहनें भी आपका हाथ बटाएंगे। दोनों सास बहू एक साथ घर की साफ सफाई करती हैं। माँ जी सब हो गया, मगर माँ दुर्गा की मूर्ति तो है ही नहीं। इतना कहते ही अंबिका के सामने माँ दुर्गा की मूर्ति आ जाती है। इसके पश्चात सास बहू जो कुछ मांगती वह वस्तुएं अस्तित्व में आ जाती। वह निश्चिन नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजन करती। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। क्या बात है बहू, तेरे माथे पर ये शिकन कैसी? माँ जी कन्याओं के कंजक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, भोग का प्रसाद सब बन गया, मगर चांद पर कन्याएं कहाँ से आएंगी? अरे बहू तेरी भी तो बेटियां हैं। माँ जी वो भी कुल 3 है। नवरात्रि का पर्व 9 कन्याओं को कंजक खिलाकर ही पूरा होता है। लगता है हम सास बहू की नवरात्रि सफल नहीं होगी। अंबिका हताश होकर ये कह रही होती है कि एक बार पुनः माँ दुर्गा वहाँ प्रकट होकर कहती हैं, निराश ना हो तुम दोनों सास बहू, नवरात्रि की आस इस चांद पर ही परिपूर्ण होगी। मगर ये कैसे मुमकिन है माँ? अंबिका सुधा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि नवरात्रि के 9 दिन मेरे ही 9 रूपों की पूजा होती है? वो 9 रूप मुझ में समाहित हैं। मुझे अपने भोग का प्रसाद खिलाकर अपने अधूरी आस को साध लो। इससे सुनहरा भाग्य और क्या होगा कि हम सास बहू साक्षात माँ को कंजक खिलाए। दोनों सास बहू संपूर्ण श्रद्धा से माँ दुर्गा को पूरी हलवा खीर नारियल फलाहार इत्यादि थाली में संजोकर माँ को परोसती हैं। माँ दुर्गा उनके व्रत को सफल करती हैं। तुम दोनों का मेरे प्रति अथाह प्रेम देखकर मैं गदगद हो गई।
मैंने तुम्हारे लिए धरती की धरोहर पर सुनहरा घर स्थापित कर दिया। अब से तुम वहीं रहोगे। माँ दुर्गा की दया से दोनों सास बहू की नवरात्रि चांद पर संपूर्ण हो जाती है, जिसके पश्चात वह पुनः धरती पर माँ दुर्गा द्वारा दिए एक सुनहरे घर में संपूर्ण सुख सुविधाओं से रह रही हैं। जादुई गाय घर और मुर्गी घर। सुरजीत अपनी पत्नी पवित्रा और 7 वर्षीय बेटे राघव के साथ खेड़ा गांव में रहता था। बैठक में बैठे हुए सुरजीत को देख पवित्रा कहती है, क्या बात है, आपके कुमलाए सूरत को देख ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपका मन किसी गहरे सोब के सागर में गोता लगा रहा है। अरे पशुपालन करके भी मैं न पूरी तरह एक पिता का फर्ज निभा पा रहा हूँ न पति का। शादी के बाद इतने सालों में भी मैं तुम्हें एक साड़ी न दिला सका, न राघव को स्कूल की शिक्षा दीक्षा दिलाने का दाम जोड़ पा रहा हूँ। अजी सुख दुख तो जीवन का संगम है। गौशाला में खूंटे से बनी सुरजीत की चारों गाय जोर शोर के साथ गुहार लगाती हैं। अरे अच्छा भाग्यवान, मैं चारों गायों को चराने खेत खलियान लिए जा रहा हूँ, सांझ को लौटूंगा। सुरजीत अपनी गायों को हांकते हुए खेत की ओर अग्रसर होता है, जहाँ एक बंजर खेत के बीचों बीच उसे एक मरियल सी गाय बेसुध पड़ी दिखती है। चल चल चल, बेचारी गाय की अवस्था तो बेहद बुरी है। सुरजीत भाव विभोर होकर उस गाय को अपने गायों के झुंड में मिलाकर घर लाता है, जहां राघव कहता है, अरे बाबूजी ये नई गैया किसकी है? ये गाय अब हमारे परिवार का हिस्सा है बेटा। अजी हमारे घर की माली हालत पहले ही बेहतर नहीं, इस घनघोर गरीबी में इस गौ माता को कहां रखेंगे। पवित्रा इस गाय की दुर्दशा देखो, शायद दाना पानी के अभाव से ये ऐसी हो गई है। मैं इसके लिए चारा बनाती हूँ। दोनों दंपति गाय गौशाला का हिस्सा बना लेते हैं। समय गुजरता है। एक शाम, अजी रात के खाने में बनाने के लिए कोई भी भाजी तरकारी नहीं। ठीक है, मैं बाजार जाकर थोड़ी बहुत साग सब्जी मोल ले आता हूँ। सुरजीत झोला उठाए बाजार की ओर अग्रसर होता है, जहाँ उसे रास्ते के बीचों बीच एक मुर्गी घायल अवस्था में दिखती है। अरे इस मुर्गी के पग तो पूरी तरह जख्मी है, अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो बेचारी मर जाएगी। अरे इसे घर ले जाना ही बेहतर होगा। सुरजीत उस मुर्गी को घर लाता है, जहां पवित्रा उस पर बिगड़ते हुए कहती है, अजी अब ये क्या नई बला उठा लाए, ये गाय क्या कम थी जो इस मरियल मुर्गी को भी उठा लाए। अरे राघव राघव जल्दी से पानी लाओ। जी बाबूजी। सुरजीत मुर्गी को सहलाते हुए पानी पिलाता है। पवित्रा जहाँ इतनों का पेट पल रहा है इस मुर्गी को 2 दाने खिलाने से क्या घट जाएगा। फिर तुम ही तो कहती हो ना कि कोई नहीं जानता कि कौन किसकी किस्मत खा रहा है। सुरजीत की बातों से पवित्रा की सूझबूझ परिवर्तित हो जाती है। समय गुजरता है। दोनों दंपत्ति उस गाय और मुर्गी का भले तौर से देखभाल करते हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब सुरजीत की चारों गाय बीमार हो जाती है। ये ले सुरजीत अपने महीने भर के दूध के दाम, अब से हम सभी गांव वाले तेरी गाय का दूध नहीं खरीदेंगे। मगर क्यों बैजू भाई? सुरजीत तो खुद ही बहुत सयाना है बबुआ, जब से तुम्हारे गौशाला में ये मनहूस मरियल गाय के पापी पाँव पड़े हैं, तब से तिहार गाय बीमार बदहाल है। मंगला मौसी ये गाय और मुर्गी मनहूस है, इस घर की खातिर अब हम तेरी गायों का दूध तभी लेंगे जब तू इन दोनों को अपने घर से खदेड़ देगा। बैजू सुरजीत के चुप्पी साधे देखकर ऐसन होए के आस ना दिखत है। अरे गांव में ग्वालों की कमी नहीं, अब दिनेश के यह से दूध लेंगे। जय राम जी की। गाय और मुर्गी को अपने यहाँ आसरा देने के चलते सुरजीत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कमाई का जरिया बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गया। एक रात मुर्गी और गाय की गुहार से वो उठकर गौशाला में आता है, जहाँ गाय और मुर्गी का स्वरूप सोने में ढल चुका था। अरे ये कैसी माया है, ये मुर्गी और गाय साधारण से चमकते दमकते सुनहरे रूप में कैसे बदल गए? चकित ना हो, मेरा नाम गौरी है, मैं एक जादुई गाय घर हूँ। मैं सुंदरवन जंगल में रहती थी, मगर एक रोज मैं भटकते हुए इंसानों की दुनिया में दस्तक दे बैठी। तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला, इसलिए अभी मैं जादुई सुनहरी गाय घर में बदलूंगी। मेरे भीतर से 2 जादुई सोने की गाय निकलेंगी, वो अहम योगदान से तुम्हें एक बार ही सोने का गोबर देंगी और सदा के लिए
साधारण हो जाएंगी। ये गाय घर का चक्र आज से तकरीबन 3 रात होगा। सुनो सरजीत, जैसे ही मैं जादुई मुर्गी घर में बदलूंगी, मेरे भीतर एक साथ 2 जादुई सोने की अंडे देने वाली मुर्गियों का जोड़ा निकलेगा, जो तुम्हें केवल एक बार ही सुनहरे अंडे देगा और फिर वो सदा के लिए साधारण मुर्गी बन जाएगी। ये चक्र जादुई गाय घर के नाई 3 रातों तक होगा। सुरजीत सुनहरी गाय और मुर्गी को गौशाला से प्रांगण में जैसे लाता है, वो जादुई विशाल सुनहरी मुर्गी घर और गाय घर में बदलने के साथ दोनों के सोने की सीढ़ियों से सुनहरे गाय और सुनहरी मुर्गी का जोड़ा निकलता है। उसी पल छिन मुर्गी घर और गाय घर साधारण हो जाते हैं। अरे जादुई मुर्गी घर और गाय घर से निकली जादुई मुर्गी और गाय के जोड़ो, जरा अपना जादू तो दिखाना। सुरजीत के स्वर सुनकर जादुई मुर्गियों का जोड़ा, उसे 2 सोने के अंडे और जादुई दोनों गाय अपनी सुनहरी पूंछ उठाकर एकाएक सोने का गोबर देकर सदा के लिए साधारण हो जाती हैं। ये तो सोने पर सुहागा हो गया जी। इस जादुई गाय घर और मुर्गी घर से मिले इन सोने के अंडों और गोबर से हम पुश्तों के पुराने घर की काया पलट करके सुनहरा सुखमय जीवन यापन कर सकते हैं। अरे नहीं पवित्रा, इस सुनहरे गोबर और सोने के अंडों को मैं सुनार से बेचकर गौशाला की चारों गाय का इलाज उपचार कराऊंगा। अगले ही सुबह सुरजीत उन गोबर और अंडों का सौदा सुनार से करके मिले पैसों से अपने पशुओं को मरने से बचा लेता है। अरे देखा पवित्रा, हमारी चारों गाय एकदम चकाचक हो गई। पिताजी, इसका सारा श्रेय सुनहरी गैया घर को जाता है। सिर्फ गाय घर नहीं बल्कि इसमें मुर्गी घर भी शामिल है राघव। दिन गुजरने के साथ दूसरे दिन की रात दस्तक देती है, जिसके साथ गाय और मुर्गी गुहार लगाती है। बाबूजी, लगता है गैया के जादुई गाय घर में बदलने की बेला हो चली है, तभी वो गुहार लगा रही है। हाँ, मुर्गी ने भी कुक्कड़ को शुरू कर दी। पूरा परिवार जैसे ही सुनहरी हुई गाय और मुर्गी को प्रांगण में लाते हैं, दोनों चकाचौंध चमक से प्रकाशित होते हुए विशाल जादुई सुनहरे मुर्गी घर और गाय घर में बदलते हैं, जिनकी सुनहरी सीढ़ियों से सुनहरे गाय का जोड़ा और मुर्गी घर से सुनहरी मुर्गियों का जोड़ा उतरकर नीचे आता है। अरे अरे जादुई सुनहरी मुर्गियों और गौ माता का जोड़ा, मुझे सोने का अंडा और सोने का गोबर दो, ताकि मैं उसे अपने गरीबी से घर को नए ढांचे में ढाल सकूं। जादुई मुर्गी घर और गाय घर से निकली सुनहरी मुर्गी और गाय उसे सुनहरा चमचमाता अंडा और गोबर देती है, जिसके पश्चात दोनों साधारण गाय और मुर्गी में बदलते हैं, जिसके साथ जादुई गाय घर और मुर्गी घर साधारण अक्ष धारण करते हैं। सुरजीत, तुम्हारे पास केवल कल की रात्रि शेष बची है। हाँ सुरजीत, कल रात आखिरी बार हम दोनों जीव जादुई मुर्गी घर और गाय घर में बदलकर तुम्हें सोने के मुर्गी और गाय का जादुई जोड़ा देंगी, और उसके पश्चात हम सदा सर्वदा के लिए अपनी मायावी दुनिया में दस्तक दे जाएंगी। जादुई मुर्गी और कैया, क्या हम तुम्हारे जादुई मुर्गी घर और गाय घर में एक बार घूम सकते हैं? क्यों नहीं राघव, कल जब हम दोनों जादुई आवास का अक्ष धारण करेंगी तब। अगली रात। अरे आज तीसरी और अंतिम रात है जब वो गाय और मुर्गी एक आखिरी बार जादुई मुर्गी घर और गाय घर में बदलेंगे। चलो चलो चलो। सुरजीत जिस पलछिन मुर्गी और गाय को प्रांगण में लाता है, दोनों बेहद विशाल मुर्गी घर और गाय घर में तब्दील हो जाती हैं। पूरा परिवार उनके शरीर में लगी सुनहरी सीढ़ियां चढ़कर घर के भीतर घूमता है। अरे अरे वाह बाबूजी, ये मुर्गी घर और गाय घर दोनों ही एकदम अद्भुत है। हमें चलना चाहिए। सुरजीत गाय घर और मुर्गी घर से जादुई मुर्गी जोड़ा और गाय का जोड़ा लिए बाहर आता है, जिसके बाद वो दोनों घर मुर्गी और गाय में बदलकर अंतिम शब्द स्वर कहती है। हमारे जाने की घड़ी हो गई है, अब तुम्हारे पास आधे दर्जन गाय और मुर्गियां हैं, इससे तुम्हारी आजीविका आसानी से चलेगी। ये कहकर जादुई मुर्गी घर और गाय घर सदा के लिए गायब हो जाता है, जो जाते जाते उन्हें 6 गाय और 6 मुर्गियां और दुधारू गाय देकर जाते हैं।
जिससे सुरजीत का संसार पूरे तौर से बदल जाता है। अब वो बड़े तबके का पशुपालक बनकर परिवार के संग बेहतर जीवन